Assalamu alaikum students, myself Miss Alina, your English teacher. How are you all students? I hope you all safe and sound at your homes. Okay students, today we read unit number 8, A Helping Hand. Topic number 1, reading. Today we are going to read our story. A story is about camel and donkey. Okay students, now read the story. One day a man is going up a big hill with a tall camel and a little donkey. एक दिन एक आदमी एक बहुत एक लंबे कैमल यानी ऊंट और एक छोटे गधे के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहा था. The two animals carry heavy bags of salt on their backs. वो दोनों जानवर अपने बैक पर अपनी बैक साइड पर बहुत हेवी बैग्स उठा कर लेकर जा रहे थे. हेवी यानी भारी बैग्स लेकर जा रहे थे नमक के, जिसमें बहुत सारा नमक भरा हुआ था बैग्स के अंदर. तो दे द डंकी सेज टू द कैमल, गधे ने ऊंट को कहा, आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ. कैमल ऊंट में कमज़ोर हूँ. दिस सॉल्ट इज हैवी, ये जो डंकी ने कैमल को कहा, ये जो बैग्स हैं वो बहुत ही हैवी हैं, भारी हैं, नमक के मैं नहीं उठा सकता. हेल्प मी प्लीज़ टेक दिस सॉल्ट, आई कैन नॉट कैरी इट. उसने कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो इसे उठाने में, मैं इसे नहीं उठा सकता. द कैमल आंसर्स रूडली, नो आई वॉन्ट कैरी इट योर सेल्फ. कैमल ने ऊँट ने गुस्से में कहा, नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, अपने आप उठाओ. द डंकी फॉल्स डाउन, इट कैन नॉट वॉक एनी मोर. देन डंकी नीचे गिर गया. देन वो कहने लगा, मैं अब और ज़्यादा आगे नहीं चल सकता. द मैन पुट्स ऑल द सॉल्ट ऑन द कैमल्स बैक. देन ही पुट्स द डंकी ऑन द कैमल्स बैक. दे क्लाइम द हिल. देन उसके बाद जो आदमी था उसने सारा सॉल्ट उठा के कैमल के ऊपर रख दिया. देन उसके बाद उसने डंकी को भी उठाकर कैमल के ऊपर रख दिया और वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे. द कैमल थिंक्स, आई सेड आई वॉन्ट हेल्प द डंकी, नाउ लुक एट मी, आई एम कैरिंग बोथ द डंकी एंड हिज सॉल्ट. देन कैमल ने सोचा कि मैंने हेल्प करने से मना किया, अब मुझे देखो, मैं दोनों को ही अपनी पीठ पर उठा के लेकर जा रहा हूँ. देन अगर कैमल ने डंकी की हेल्प की होती तो देन डंकी नीचे नहीं गिरा होता. तो देन स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से यह पता चलता है कि हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए. ओके, लर्न टू रीड. नंबर 1, read the sentences and say if they are true or false. The first one has been done for you. Okay students, now true or false. Number 1, the man is going up a small hill. Jo man tha wo small hill pe ja raha tha? No, wo big hill pe ja raha tha. It's false. Number 2, the donkey and the camel have heavy bags of rice on their backs. जो donkey था, donkey और camel, ऊंट और गधे के back side पे वो क्या था, heavy bags थे. किस चीज़ के थे? Salt के, नमक के, rice के नहीं थे, चावलों के नहीं थे. तो it's false. Number 3, the camel tells the donkey, I won't carry your bag of salt. जो कैमल था उसने डंकी को कहा, मैं आपके बैग नहीं उठाऊंगा. दैट्स ट्रू. नंबर 4, द डंकी वॉक्स अप द हिल विद द सॉल्ट. जो डंकी था वो हिल की तरफ जा रहा था सॉल्ट लेकर. ट्रू. नंबर 5, इन द एंड द कैमल कैरीज द डंकी एंड द सॉल्ट. और आखिर में ऊंट ने डंकी, गधे और नमक को अपनी बैग पर उठाया.
Okay, students, I hope you all understood my lecture. I love this.